हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोमल टूर ब्लॉग्स में। और मेरे आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से। अभी मैं नहा के आई हूँ और आज मेरा मन करेगा कि मुझे राजपूती ड्रेस पहननी है। तो कभी कभी तो राजपूती ड्रेस भी होनी चाहिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी मतलब मैं राजपूती ड्रेस में कैसी लगती हूँ और ज़्यादा अच्छी मैं कौन सी ड्रेस में लगती हूँ। तो मेरी जो ये वाली ड्रेसेस है, मतलब ये पड़ी ही है, मैं मतलब मेरे ससुराल में मैं सलवार सूट ज़्यादा पहनती हूँ। मतलब होता है ना कि हमारी ड्रेस की बात तो अलग है, बट कंफर्टेबल हम ज़्यादा सलवार सूट में रहते हैं, तो इस वजह से मैं सलवार सूट कैरी कर रही थी। बट जो मज़ा इन्हें पहनने में आता है ना, वो किसी ड्रेस को कैरी करने में नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी ये ड्रेस आपको कैसी लगी। तो चलिए, तो ये था मेरा आज का लुक, जो कि आज मैं पूरे दिन ये ड्रेस कैरी करने वाली हूँ सिर्फ आपके कमेंट्स की वजह से। बट ऐसा कुछ नहीं, आज मेरा खुद का भी मन था। पूजा हमारे घर में ही शिवलिंग है, तो मैं वो मतलब देवी उन पर जल चढ़ाती हूँ और पूजा करती हूँ, और उसके बाद ही मेरे दिन की बाकी शुरुआत होती है। चलिए, बाहर की साइड जा रहे हैं ना, तो सिर पे होना जरूरी है। छोटी सी शिवलिंग यहाँ पे रखते हैं हम लोग, मतलब ये एक मार्बल का पट्टा हम लोग यहाँ रखते हैं और यहाँ पे शिवलिंग रखते हैं। यहीं पे हम लोग पूजा करते हैं शिवलिंग की, और ये हमारे लिए, ये शिवलिंग जो है ना, वो हमारे लिए बहुत लकी है। तो चलिए करते हैं पूजा। जल चढ़ाने के बाद मुझे याद आया कि मैं पूजा का सामान तो अंदर ही भूल गई थी, फिर मैं वो लेके आई और जल्दी जल्दी मैंने पूजा की। उसके बाद मैंने खाना बनाया। तो गाइस, मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है और मैंने बाहर भी पूजा कर ली शिव जी की, और अंदर मंदिर है वहाँ भी मैंने मेरा जो भी मैं पूजा डेली करती हूँ वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अभी मैं रोटी सेकूँगी। सबसे पहले रोटी सेकने के बाद मुझे कोई काम नहीं है, उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत मेरी जो अलमारी वगैरह है वो भी आज सेट करनी है, और आज तो मम्मा घर पर हैं तो मम्मा भी हेल्प कर देंगे और मेरी अलमारियाँ भी सेट हो जाएगी। और आपको पता ही है, मतलब जब से मैं पीहर से आई हूँ ना गाइस, मैंने अभी तक मेरा ट्रॉली बैग नहीं खोला है। वो सामने मेरा रूम है, उस सामने छोटी वाली अलमारी के ऊपर मेरा ट्रॉली बैग अभी भी ऐसे की ऐसे रखा है। मतलब लिटरली मैं इतनी आलसी हूँ कि मैंने अभी तक वो ट्रॉली बैग नहीं खोला है, और ना मेरी अलमारियाँ सेट की है, ना मैंने मेरा ड्रेसिंग टेबल सेट किया है अभी तक। तो जैसे था वो सब अभी भी वैसे ही रखा हुआ है। तो आज मैं पूरा सब कुछ सेट करने वाली हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे व्लॉग में एंड तक। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ गाइस, मुझे आज बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि आप मतलब राजपूती सूट क्यों नहीं पहनते अपने ससुराल में। तो इसका रीज़न ये है कि मेरे ससुराल में कुछ भी पहनना अलाउड है। मेरे सास ससुर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ही ओपन माइंडेड है कि हाँ वो मुझे कुछ भी पहनने देते हैं। मतलब और कुछ भी इन द सेंस ये नहीं कि मैं उनकी मतलब मेरी मर्यादाओं से बाहर जाके मैं कुछ भी पहन लूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सलवार सूट, ओनली सलवार सूट कैरी करती हूँ ससुराल में, और उस पर भी मैं सिर पे चुन्नी रखती हूँ हमेशा। मेरा रोकना पड़ा क्योंकि मेरे पास कोई कॉल आ गया था। वो जो मतलब जो मैंने आपको मम्मा का वाला सूट दिखाया था ना, जो मुझे उन्होंने करवा चौथ पे गिफ्ट किया है, तो जहाँ से मैंने वो लिया था उन भाभी से हुकुम का कॉल आया था कि उस पर हमें ओढ़नी रंगवानी है, कैसी रंगवानी है, आप फोटो भेज देना। हाँ मम्मा, माँ को फोन आयो, आप सूट ले रहा है ने? कि आप कौन सा कलर में रंगवा शो ओढ़नी। मैं बोल दी वो तो प्लेन ही अच्छी लगेगी, और बोले ठीक है फिर लेस मैं ना आपको भेज दूंगी दुकान पे जाऊंगी तब, और वो जो सूट है ना एक बार भिजवा दो, उस सेम कलर की मैं ओढ़नी डाई कराऊंगी। अब बार भिजवा दीजिए ना मम्मा, आपको खटे है वो। तो गाइस, अभी मैं सबसे पहले रोटी सेकूंगी और उसके बाद देखते हैं, हमारा कहीं बाहर जाने का भी प्लान है। तो अभी फटाफट रोटी सेकते हैं और सब खाते हैं, और अभी बजे सुबह के 9:30, और खाना खा के फिर हम लोग जाएंगे। तो मैंने रोटी बना दी है और आज बनी है दाल, और अब मैं सैलेड काटने वाली हूँ, फिर हम लोग खाएंगे खाना। बस वो खा रहे हैं और मम्मा तो रेडी है,
और फिर हम लोग निकलेंगे मार्केट। उसका रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ हम लोग क्यों मार्केट जा रहे हैं और एकदम से क्या काम आ गया। वैसे आज मेरा प्लान था अलमारी वगैरह सेट करने का, पर मम्मा ने बोला एकदम से कि अभी मार्केट चलेंगे, तो पहले मार्केट जाएंगे उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। अभी आपको मैं रीज़न बताने वाली हूँ। और देखिए दाल बनाई है मेरी सासू माँ ने, मतलब गाइस मम्मा के हाथ की दाल और कढ़ी अगर कोई खा लेना तो बार बार बस मम्मा के हाथ की ही पसंद आएगी, उसके बाद किसी और के हाथ की पसंद ही नहीं आती। तो हमारे मम्मा मतलब दाल और कढ़ी बेस्ट बनाते हैं, एकदम बेस्ट। तो मैं और मम्मा जा रहे थे अभी सिलाई पे कपड़े डालने और उसके बाद हम जाएंगे थोड़ी सी शॉपिंग, हमें मार्केट भी जाना है। और चलिए हम लोग आए थे विशाल और क्या कह रही है? इसमें एल साइज अवेलेबल नहीं है इसमें, तो इसलिए एल एल के ये अलग अलग कलर के ले लेते हैं। एल साइज तो ठीक है, एक के तो सही है ना, ज्यादा लंबी गाड़ी चाहिए हम दीदी वाले ने, लेकिन और दीदी कह रहे हैं तो पेन से चीज सी दे दी कलर दे दे ये तो मैंने नहीं लिया नहीं। आज मैंने ये ड्रेस पहनी है ना, तभी बाहर निकलना हुआ, मैं इसे चला भी नहीं जा रहा। रूम पर फोटो देखे और उसका बार कोड देखे काउंटर नंबर 1 पे संपर्क करें। चार एक सारी तो अलग अलग घर में जाएगी नहीं ये कोई मम्मा लिफ्ट में पैक हो गए। ये आ गए हम बॉयज सेक्शन में, अब आपकी बारी है, चलो करो चूज। ठीक है जाएंगी जाएंगी लेंगे। पता नहीं क्या ही चाहिए, समझ के बाहर है। हाँ ये सर्दियों के हिसाब से सही रहेंगे। वो कंपनी का है, वो शायद मम्मा 400 का आया था, नहीं 800 का, समझ होता है। अब आठ सेल चल रही, विशाल मेगा मार्ट में वैसे घर में पहनने के कपड़े अच्छे मिल जाते हैं। आज सबके कमेंट आने के बाद आज मैंने राजपूती ड्रेस फाइनली पहनी है, तो ये हो रहे हैं खुश। मम्मा बताओ थक चुके हैं घूमते घूमते, पर मेरे हस्बैंड को अभी तक कुछ पसंद नहीं आया है, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं वो, आई डोंट नो। हमें सर्दियों का कलेक्शन चाहिए था, जैसे घर में पहनते हैं जो पजामे वगैरह ये सब पहनते हैं, तो वो हमें चाहिए था, बट इन्हें यहाँ भी पसंद नहीं आ रहा। और विशाल आई थिंक सबसे बेस्ट है डेली यूज़ वाले कपड़े लेने के लिए, बट इन्हें कोई मतलब नहीं है। चाहिए आपको जो यहाँ नहीं मिल रहा,
इसकी प्राइस क्या है? सुनो मेरी बात, आपको विशाल में नहीं पसंद आने वाले, आपको पसंद आएंगे वैशाली नगर में, वहाँ चलो। अरे क्या करें, आए तो कुछ नहीं लें। तो फाइनली हमारी शॉपिंग हो चुकी कंप्लीट, अब हम लोग जाएंगे नीचे। तो हमने जल्दी जल्दी बिलिंग करवाई और उसके बाद हम जल्दी से घर निकले, क्योंकि घर पे मेरे मामी साहब आए हुए थे, वो वेट कर रहे थे हमारा। हाँ आइसक्रीम तो गाइस फाइनली अब हम घर पे आ चुके हैं और मामी सब को नाश्ता वगैरह पकड़ाया, कोल्ड ड्रिंक दी, नमकीन दी, बिस्किट दिए और अब मैं अपने रूम में आके बैठी, थोड़ी हवा भर रही हूँ। मेरे मामी सासू हैं जो अभी आए हैं और इनके मामी सा और उनके साथ एक लेडी आई है, उनकी फ्रेंड है, तो उनको मैंने नाश्ता वगैरह पकड़ा दिया है। अब थोड़ी देर बाद उनके लिए चाय बना लूँगी, धूप में जाने का बिल्कुल मन नहीं करता गाइस, इतनी भयंकर धूप हो रही है बाहर अभी भी, मतलब सर्दियाँ आने को हो रही है बट अभी भी धूप बहुत ज़्यादा है। तो मैं करूँगी थोड़ा रेस्ट। गाइस अभी मैं जस्ट सो के उठी थी और आज गेस्ट की लाइन लगी हुई है, मतलब सुबह से लेके अब तक कोई ना कोई आए जा रहा है। पहले मामा सासू आ गए थे, फिर उनसे फ्री हुई, मैं थोड़ी देर लेटी, अभी उठी, तब आंटी कॉलोनी की आंटी वगैरह हैं वो लोग आए हुए हैं। तो आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल। आज मैंने प्लान किया था कि मैं मेरी अलमारी वगैरह सेट करने वाली हूँ, बट वैसा तो वो काम तो मेरा बिल्कुल नहीं हुआ और मैं ऑलरेडी थकी चुकी हूँ अब ज़्यादा, तो अब तो होगा भी नहीं, अब वो कल ही करेंगे हम लोग। और मैं मार्केट क्यों गई थी आज, उसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आई थी छोटे बेबी की, वो इसलिए मेरे लिए नहीं, मतलब आई एम नॉट प्रेगनेंट, बट जो मतलब जो मेरे जो धर्म की माँ बनवाते हैं जब हम शादी होके आते हैं तो डालते ना गोट डालते हैं, तो मेरे जो धर्म की माँ हैं मतलब उनके थर्ड बेबी हुई है, बेबी गर्ल हुई है, मतलब वो इतने एज में नहीं है, वो मेरी माँ हैं बट उनकी ज़्यादा एज नहीं है, तो उनकी बेबी गर्ल हुई है और ऑलरेडी उनके दो लड़कियाँ हैं जिनकी हाइट मेरे बराबर है, बट उन्होंने थर्ड चांस लिया था जस्ट बिकॉज भाई क्या पता लड़का हो जाए, बट वो थर्ड लड़की में भी उतने ही खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, उन्होंने कितना ग्रैंड वेलकम किया था। और परसों यानी कि 10 तारीख को उसका फंक्शन है नावन जलवा का, तो उसके लिए मैं शॉपिंग करने गई थी क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ, वो मेरी छोटी बहन है, तो इस वजह से हम लोग शॉपिंग गए थे। थोड़ी बहुत उसकी तैयारियाँ करनी है, जो मेरे मम्मा हैं उनके लिए भी मुझे बेस वगैरह करना है, मतलब मम्मा को बेस मेरी सास देंगे, और बच्चों के लिए मैं कपड़े लेने गई थी, और जो मेरी दो बड़ी बहनें हैं मतलब जो मेरे बराबर हैं उनके लिए भी मैं ड्रेस लेके आई हूँ, मतलब नॉर्मली घर में पहनने के लोअर टी शर्ट वगैरह ये सब मैं लेके आई थी। तो आज हम इसलिए मेन पर्पज़ हमारा ये था मार्केट जाने का, बाकी हम हमारा थोड़ा छोटा मोटा घर का सामान लेके आ गए। तो अभी मैं चाय बनाती हूँ वरना बाहर मम्मा बोलेंगे लेट हो गया लेट हो गया, तो बाद में मिलते हैं आपसे। चाय तो लगभग रेडी हो चुकी है, अब मैं इसे सर्व करूँगी सबको। तो गाइस मम्मा अभी जो आंटी आए थे कॉलोनी वाले उनके साथ गए थोड़ा बाहर, और अभी मैं सब्जी उबालने चढ़ाऊँगी, सब्जी मम्मा ही बनाएंगे, सांगरी वाली सब्जी, वो मुझे भी बनानी आती नहीं है, तो सांगरी की सब्ज़ी बहुत ही मतलब कीमती सब्जी है ये मैं ख़राब नहीं कर सकती, तो मम्मा बनाने वाले हैं सांगरी की सब्ज़ी, मैं उबालने चढ़ा देती हूँ उसे, और आटा वगैरह मैं लगा के रख दूँगी अभी, और उसके बाद जब रोटी खाएंगे तब सेक लेंगे, तो ऐसा कोई काम रहता नहीं है यूजुअली घर में, क्योंकि हम चार मेम्बर ही तो हैं, ज़्यादा मेम्बर भी नहीं है, जॉइंट फैमिली भी नहीं है, अगर मतलब ज़्यादा हो काम रोटी वगैरह ऐसा भी नहीं है। और बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, और ये मत सोचना कि मैं इग्नोर कर रही हूँ वो कमेंट्स पढ़ के, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं एक उसके लिए मतलब क्वेश्चन आंसर का पूरा अलग से वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि अमूमल भाई साहब हमारे कमेंट इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारे कमेंट्स अच्छे से पढ़ रही हूँ, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो एक बार मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर वाला सेशन रखने वाली हूँ,
फिर वहाँ जो भी आप क्वेश्चन डालेंगे वो मैं सीधा YouTube पे आके प्रॉपर वीडियो बना के आपके सारे क्वेश्चन, आपके सबके नाम भी लेने वाली हूँ मैं उस क्वेश्चन आंसर वीडियो में कि किसने कौन सा क्वेश्चन भेजा है। तो जो भी जो क्वेश्चन डालेगा उसके नाम के साथ उसका मतलब आंसर दिया जाएगा। तो मेरे इंस्टाग्राम को आप लोग ज़रूर फॉलो कर लेना, अंबिका राठौड़ बाईसा के नाम से मेरा मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट है। वैसे मेरा नाम मुमल भी है, मुमल मेरा घर वाला नाम है जो कि मुझे ज़्यादा पसंद है, बट मेरा डॉक्यूमेंटेशन वाला जो भी मतलब मेरा नेम है वो अंबिका राठौड़ बाईसा के नाम से है। तो जो मेरा YouTube का अबाउट सेक्शन है उसमें जाके आप सीधा वहाँ पे Instagram का लिंक है उसे क्लिक कीजिए, आप डायरेक्ट मेरे Instagram पे पहुँच जाएंगे। तो जिस जिसने भी मुझे Instagram पे फॉलो नहीं किया है मुझे बिल्कुल फॉलो कर लीजिए, तो आपके सारे सवाल आप वहाँ पे डाल देना, फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगी YouTube के लिए। तो चलिए चलते हैं किचन में, और अभी मुझे बनानी है मतलब सब्जी तो नहीं बनानी है मुझे, बस उसे उबालना है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आज मैं इस राजपूती ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। जैसे अभी मैं चिप्स खा रही थी तो इसका जो आप रैपर है ना ये देखो इतना लंबा है, और इसमें चिप्स दिखाऊं बिल्कुल इतनी सी, जस्ट लाइक ये, कितना पागल बनाया जाता है हमें, आप देख रहे हो ना। इसे चिप्स लेना ही मत कभी मॉल से। वैसे फाइनली चिप्स ख़त्म हो चुकी है और अब मुझे बनानी है रोटी। मैं बहुत मतलब मैं चिप्स लवर हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली जो भी चिप्स होती है, सारी कैसी भी चिप्स हो मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैंने पूरा पैकेट ख़त्म कर दिया और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं मेरे फेस पे पिंपल्स आ चुके हैं थोड़े थोड़े, ये देखो हेड पे फॉरहेड पे। लेकिन हम खाना नहीं छोड़ेंगे और अब मैं बनाऊँगी रोटी। चलिए चलते हैं किचन में। तो अभी मैं बना रही हूँ रोटी, और जैसा कि मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि आप लोग मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर वाला सेशन रखने वाली हूँ। तो उसमें मतलब आपकी जो भी क्वेरीज है आप वहाँ डाल सकते हैं, फिर मैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाली हूँ यूट्यूब पे, ताकि जितने भी आपके सवाल हैं सारे वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो। क्योंकि ऐसे में मतलब यूट्यूब वीडियो पे सबका पर्सनली कमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपके हर एक सवाल के जवाब दूँ। इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना, वहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर वाला सेशन लगाऊंगी, आप वहाँ अपने क्वेश्चन डालना, फिर मैं उसका वीडियो लेके आऊँगी यूट्यूब पे। तो गाइस और आप लोग मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर गाइस आपको आइडिया भी नहीं है एक यूट्यूबर वीडियोस बनाने के पीछे कितनी मेहनत करता है, मतलब यू हैव नो आइडिया। और आज का पूरा दिन तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैक्टिक था, मतलब इतना मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, अभी थोड़ा नया नया है ना तो इतना शूट मतलब सबके सामने मेरे से हो नहीं पाता है, बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। फटाफट रोटी बना देते हैं। आज का पूरा ब्लॉग आपने मुझे राजपूती ड्रेस में देखा, तो आप लोग कमेंट करके ये भी बताना मैं राजपूती ड्रेस में कैसी लग रही थी। हाँ मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं कुछ भी पहन लेती हूँ, बट जो कंफर्ट लेवल होता है हमारा वो ज़्यादा उस वाली मतलब जो मैं सलवार सूट पहनती हूँ उसमें ज़्यादा मैं कम्फर्ट होती हूँ, तो कभी कभी वो पहन लेती हूँ, कभी मेरा मन करता है तो मैं ये ड्रेस पहन लेती हूँ, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मेरा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल भी राजपूती ड्रेस नहीं पहनती हूँ, ये भी जब मन करता है मैं ये पहन लेती हूँ, मन करता है वो पहन लेती हूँ। खाना तो मैंने कब का बना लिया था, अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और हम लोग उनका वेट कर रहे थे, वो बाहर गए हुए हैं, पापा भी उनका वेट कर रहे हैं, पापा उन्हीं के साथ खाना खाते हैं, अब मैं और मम्मा तो खाना खा रहे हैं फाइनली। मम्मा अभी बज चुकी है 9:00 और वो अभी तक भी नहीं आए हैं, मैं कब से उनका वेट कर रही हूँ, इतने फ़ोन कर रही हूँ बट अभी तक वो भी नहीं आए। पापा ने भी खाना नहीं खाया आज, पापा उनके साथ खाने का प्लान है पापा का खाना, क्योंकि पापा दिल्ली से। और गिराओ, गिलास तोड़ दिया इन्होंने, कांच के 2 गिलास यहाँ से गिराए और सीधे नीचे। ये तो नीचे वाला हिस्सा
मेरे डायचे वाला गिलास तोड़ा है आपने, ठीक है ना? कितने का? 100 रुपए का? कुछ नहीं है, 100 रुपए का। मेरी फेवरेट आइसक्रीम है मम्मा ये ब्लैक करंट। हाँ ओमन खाबो सिखायो, मन्नू मन्नू ले आयो एक दिन। जो ये रेडी हो चुकी है मम्मा की और मेरी आइसक्रीम, ये मेरी फेवरेट फ्लेवर है ब्लैक करंट। आप भी एक बार ट्राई करें, देखना बहुत टेस्टी लगता है। और मम्मा और मैं आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही मैं कोशिश करती रहूँगी आपके सामने अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने की। और चलिए अब हम लोग सोते हैं। ओ माई गॉड, पहली बार बोले मेरे व्लॉग में। इतना कैसे बोल लिया आज आप? इतना कैसे बोल गया आज आप? ए सी ऑन कर दो। तो गाइज अभी मैं सोने जा रही हूँ, अभी बज रहे हैं रात के 10:30। आज वैसे लेट हो गए काफी सोने में, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ थोड़ा। तो अब मैं सोती हूँ। हंसे क्यों? झूठी। क्यों क्यों भाई हंसे क्यों? झूठी। यार मैं उठी जाती 5:30। तो किसने कहा 6:30? 5:30 उठती हूँ मैं। आप होते हो नींदों में, आप उठते हो 6:30 बजे। तो गाइस चलिए अब मैं तो जा रही हूँ सोने। इन्हें तो बिलीव होगा नहीं मैं उठती कब हूँ कब नहीं। तो बाय, गुड नाइट।